गाइस नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में दोस्तों। तो आज की जीके जीएस की एक शानदार क्लास में दोस्तों 30 क्वेश्चंस है, और ये क्लास जो है एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस या फिर स्टेनोग्राफर और जिस बच्चे का भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम्स होने वाला है उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस क्लास आज की सेकेंड क्लास है। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी तो वो जाके पहली क्लास भी देख सकता है। और दोस्तों अगर जो बच्चे नए वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि उनको सारी क्लासेस रेगुलरली मिलती रहें। अगर कोई बच्चा सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये चैनल जो है इम्पोर्टेंट और खास दोनों हो जाता है। तो बने रहे दोस्तों हमारे चैनल पे, और नई नई क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं, आज का नया मोटिवेशन कोड क्या कहता है देख लेते हैं। आज का नया मोटिवेशन कोट कहता है कि जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने उठाने को तो अपनों का पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जीवन में अगर किसी भी एग्जाम में या फिर किसी भी चीज में अगर फेल होते हैं तो उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उससे हमें अंदाजा एक ये लग जाता है कि हम किस मुकाम पे हैं या फिर किस किस जगह पे हैं। अगर हम फेल होते हैं तो हमें वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो वहां से डर के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और हमें अगर उस टाइम पे कोई मेहनत करता है हमें अपनी मेहनत पे अपनी कामयाबी पे पूरा ध्यान देना है। अगर कोई मेहनत करता है तो वहां पे पता चल जाता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास बाय द लोकसभा। तो दोस्तों सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 22 जुलाई 2019, 2 अक्टूबर 2019, 18 फरवरी 2019 या फिर 13 दिसंबर जो है 2019। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है 22 जुलाई 2019। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ दीज डज नॉट फॉल अंडर इथिकल कोड। दोस्तों इनमें से कौन आचार संबंधी संहिता के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर दिए ऑप्शन चार दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है गैर भेदभाव या फिर जीवन शैली या फिर बौद्धिक संपदा का समान या फिर निष्पक्ष ओपननेस, तो हिंदी में थोड़ी सी कठिनाई है दोस्तों, निष्कपटता। तो निष्पटता जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो है सेकंड बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड जीवन शैली या फिर लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लैक होल इज, तो ब्लैक होल किससे संबंधित है गाइस। क्या वो हवाई जहाज में एक उड़ान रिकॉर्डर है या फिर सूरज पर एक धब्बा है या फिर अंटार्कटिका में एक स्थान है या फिर एक ध्वस्त तारा है। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है, एक ध्वस्त तारा है जो कि अकोलाइफ स्टार। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल भी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हीराकुंड धाम, जो हीराकुंड डैम जो है इज बिल्ड नियर द सिटी ऑफ डैश इज उड़ीसा। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में डैश शहर के पास बनाया गया है। तो दोस्तों कहाँ पे बनाया गया, क्या वो बालासोर में बनाया गया, कटक में बनाया गया, राउरकेला में या फिर संबलपुर में। तो दोस्तों बालासोर जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज नियरेस्ट टू इंटीजर ऑफ टोटल वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर बाय द ओशियंस। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत जो है निकटतम से पूर्णांक महासागरों में पाया जाता है। तो कितना परसेंट पाया जाता है गाइस, तो 97% जो है बिल्कुल भी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। 97 ऑप्शन में बिल्कुल भी सही रहेगा, अगर आता है तो याद रखना है। तो डैश आर थिक डिपोजिट ऑफ द ग्लेशियल ग्लेशियल के एंड अदर मटेरियल्स इम्बेंडेड विथ मोरेन्स। तो दोस्तों क्या कहता है कि हिम नदी की मिट्टी जो है मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निपेक्ष हैं जो मोराइन से जुड़े हुए हैं। तो गाइस तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है कि करेवा, भाभर, द्वार और या फिर डून। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, करेवा बिल्कुल भी सही ऑप्शन है, करेवा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है, क्या वो कैनरी करंट है या फिर लैब्राडोर करंट है या फिर क्रूसियो करंट है या फिर कुरिल करंट है। दोस्तों तो दोस्तों इसका करंट है क्रूसियो, जो करंट जो है वो बिल्कुल भी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Which one of the following cause is the responsible for the rainfall during winters in the northwestern part of India? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? क्या वो मानसून की वापसी है, या फिर चक्रवातीय आपदा है, या फिर पश्चिम विक्षोभ है, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून है? तो दोस्तों कौन सा है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है, पश्चिमी विभोक्ष जो है, बिल्कुल भी विक्षोभ जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज द करेक्टराइज्ड बाय। तो दोस्तों जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या संक्रमण के बाद के संक्रमण कालीन चरण की विशेषता डैश है। तो दोस्तों क्या कहता है, उच्च और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर, गिरती जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो दोस्तों गिरती मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, या फिर निम्न और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो लो एंड नियरली इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर अपना जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फोर, निम्न और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पिग्रीमेंट स्टेट ऑफ द नासिक त्र्यंबक एंड द जो त्र्यंबक एंड द भद्राचलम ली ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो दोस्तों नासिक त्र्यंबकम एंड भद्राचलम के जो तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो दोस्तों क्या वो गोदावरी, या फिर कृष्णा, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी, बिल्कुल भी सही आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शैलोएस्ट और पार्ट ऑफ द ओशियन शोविंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और इवन लेस। तो दोस्तों निम्नलिखित में से महासागर का सबसे सबसे उथला भाग कौन सा है जिसकी औसत ढाल 1 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम है? दोस्तों महासागरीय गर्त हो सकता है, या फिर महाद्वीपीय मग्रतट हो सकता है, या फिर महाद्वीपीय ढाल हो सकता है, या फिर गहरा समुद्री मैदान हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, जो है कंटिनेंटल सेल्फ है, महाद्वीपीय मग्रतट जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो गया, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 कंसेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो क्या वो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी सही आंसर है, सभी को पता है। ऑप्शन ये क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या कहता है, गोंडवाना द्वीप। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना द्वीप का हिस्सा नहीं था? क्या वो ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका? तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर में है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सैंडलवुड ग्रोस इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। तो दोस्तों चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? तो दोस्तों क्या कहते हैं चंदन को, सैंडलवुड, तो क्या वो समाना वन में होता है, या फिर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में होता है, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है, या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में होता है? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दोस्तों जो है यस, इसका करेक्ट आंसर है यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, यहाँ पे होते हैं जो चंदन के जो वन होते हैं। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स एंड अ सेंट्रल डिस्प्रेशन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जिसमें प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय अवसाद है? तो दोस्तों क्या वो समुद्री पर्वत है, या फिर प्रवाल द्वीप है, या फिर लैगून है, या फिर ग्योटस है? तो दोस्तों जो है इसका
एटोल जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, जो कि प्रवाह द्वीप जो है, प्रवाल द्वीप जो है बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं, नाथुला नाथुला जो पास जो है कनेक्ट कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा जो है भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? क्या नेपाल से जोड़ता है, बांग्लादेश से, भूटान से, या फिर चीन से? तो दोस्तों चाइना से जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बिल्कुल भी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर बींग रीनेम्ड माउंट एवरेस्ट वॉज सिंपली नोन एज डैश। तो दोस्तों नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था, तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? पीक 15 जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल भी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द क्या कहता है कि विल यू फाइंड द नेदर हार्ट माउंटेन्स आल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ द क्या कहता है छोटा नागपुर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे, जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? कहाँ, क्या वो झारखंड में मिलेंगे, या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, झारखंड में मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल भी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस महासागर के साथ आप रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे? क्या वो प्रशांत है, या फिर हिंद है, या फिर अटलांटिक है, या फिर आर्कटिक है? तो दोस्तों पैसिफिक जो है बिल्कुल भी सही है, प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रेगिस्तान में मृग तृष्णा, या फिर कोलिडोस्कोप, या फिर हीरे की झिलमिलाहट चमक, या फिर ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण। तो दोस्तों कोलिडोस्कोप जो है बिल्कुल भी सही ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द मेटल दैट इज यूज द मेकिंग एयर प्लांट्स। दोस्तों उस धातु का नाम बताइए जिसके उपयोग हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है, और जैसे कि कॉपर, जस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम। तो जो हवाई जहाज बनाने के लिए केवल और केवल एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर फोर अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपेंडेंट देयर द सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। दोस्तों किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया है? क्या वो 26 जनवरी 1949 में, या फिर 24 जनवरी 1950 में, या फिर 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट इज लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनती है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है वो, क्या वो 249 है, या फिर 250, 253, 252? तो दोस्तों 253 बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, बाइनोकुलर वॉज इन्वेंटेड बाय। तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार डैस द्वारा किया जाता है, क्या वो लुई कैलेलेट है, या फिर न्यून अल्बर्टी है, या फिर जॉर्ज बैक्सी है, या फिर जेपी लीमर? तो जेपी लीमर बिल्कुल भी सही आंसर है, जिन्होंने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन स्टेट है? क्या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि जो है उड़ीसा बिल्कुल भी सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल भी सही है। बाइनोकुलर दोस्तों वापस से मतलब क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज नॉन एज अ रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। तो भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है गाइस? क्या वो अर्चना भट्टाचार्य हैं, या फिर सुनीता विलियम्स हैं, या फिर कल्पना चावला हैं, या फिर डॉक्टर रितु करिधर हैं? डॉक्टर रितु करिधर बिल्कुल भी सही है, सही ऑप्शन है गाइस, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द
कंपोनेंट ऑफ एयर यूज इज, तो दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है क्या, अक्रिय गैसें हैं या फिर कार्बन है या फिर कार्बन डाई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों ऑक्सीजन बिल्कुल भी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, दोस्तों केरला के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो क्या कोट्टयम है या फिर जबलपुर या फिर तिरुवनंतपुरम या फिर होशियारपुर। तो दोस्तों कोट्टयम जो है सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है, क्या वो मकड़ी है या फिर शलभ है या फिर लिमुलस है या फिर बिच्छू है। तो दोस्तों लिमुलस जो है बिल्कुल भी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अपना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों थैंक यू गाइस लास्ट तक देखने के लिए, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, तो दोस्तों बने रहें, इसी के साथ विदा लेता हूँ और अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।